मिस्टर टिकैत, मेरा पहला सवाल है, कानून जो है उनकी वापसी की घोषणा हो गई, क्या आप खुश हैं? हमारा ये है कि उन्होंने कानून पे बात करी है, उन्होंने कहा कि हम वापसी ले लेंगे, ठीक है। अब एमएसपी का और रह गया, एमएसपी को और कानूनी गारंटी दे दे और उसके बाद में एक कमेटी बना दे, जो और मामले होंगे कमेटी बातचीत करती रहेगी अपना। यही उस टाइम पे जब 11 दौर की बातचीत हुई उस टाइम पे ये शामिल, यही बात उस टाइम पे हुई थी। तो इसका मतलब अब एमएसपी गारंटी आपकी शर्त हो गई है? ये कह रहा कि और भी तो बहुत मामले हैं भाई, इसके मामले में एक सीट बिल है या और भी बहुत मामले हैं, सरकार आई है तो सरकार बातचीत तो और करेगी ना, हम किससे फिर बातचीत करेंगे? वो एक कमेटी और बन जाए और गारंटी कानून एमएसपी पे बन जा दे तो अपना हम भी घर जाएंगे और जो भी मसले होंगे बातचीत से समाधान होगा। आपको 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 क्यों लगता है टिकैत जी कि सरकार ने ये कानून वापसी का फैसला लिया? अब क्या पता भाई, तो सरकार के लोग बताएंगे, हमारी तो उनसे बातचीत हुई नहीं, 22 जनवरी के बाद हमारी कोई बातचीत नहीं उनकी हुई। अब उन्हें क्या लिया होंगे, किस उसमें लिया होंगे, वो तो वही बताएंगे। ले लिया उन्हें, ठीक है, लेना चाहिए भाई, गलत काम होगा तो लेना चाहिए। एक बात ये भी हो रही है कि चुनाव के चलते ये फैसला लिया है, तो आपको लगता है चुनाव में इसका लाभ या हानि क्या होने वाला है? अरे क्या पता किसने हम ये कह रहे हैं कि किसने किस हुनर से ले लिए, ये वापसी हो गए, किस उसमें ले लिए, ले लेने दो, किसी को क्या फायदा हो रहा क्या नुकसान हो रहा, ले लेने दो। मेरा आखिरी सवाल टिकैत साहब, ये आंदोलन कब तक चलेगा? हमने ये कहा कि एमएसपी पे गारंटी कानून और बना दें, एक कमेटी बना दें, जो और मामले होंगे वो कमेटी से बातचीत करते रहें। भाई उन्होंने कह दिया तो किसान कैसे जाएगा घर? कल सीड बिल पे बात होनी है तो किससे बात करेंगे? ये मुकदमे हो रहे हैं, इस पे बात होनी है तो किससे बातचीत करेंगे? रोज की रोज कोई आंदोलन थोड़ा होंगे, अब बातचीत करके बता दो हमको और सरकार एक बार बैठ के बात कर ले, उसके बाद में किसान भी अपना रास्ता देखेगा, सरकार भी अपना काम करेगी।